नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। चीनी व्यवसायी के स्टाफ से हुए लूटकांड मामले का पुलिस ने किया खुलासा, एक अपराधी गिरफ्तार, लूटे गए रुपये हुए बरामद। संतान सुख की प्राप्ति के नाम पर ठगी करने वाले ढोंगी बाबा को महिलाओं ने दबोचा, जमकर की धुनाई। भागलपुर में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच झड़प, जमकर चले लाठी डंडे। दो अलग अलग जगहों पर आकाशीय बिजली गिरने से बच्ची समेत महिला की मौत, परिजनों में मचा कोहरा। और मोबाइल टॉर्च की रोशनी में राज्य के तीन मंत्रियों ने किया जनसभा को संबोधित। अब खबरें विस्तार से। भागलपुर के जोगसर थाना क्षेत्र अंतर्गत चीनी कारोबारी से हुए लूटकांड मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले को लेकर भागलपुर सिटी एसपी सुन प्रभात ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देते हुए बताया कि बीते 6 सितंबर को बदमाशों ने चीनी व्यवसायी को हथियार का भय दिखाकर 7 लाख रुपये लूट लिए थे। जबकि लूटकांड मामले को लेकर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए लूटकांड में संलिप्त एक आरोपी विकास शर्मा उर्फ विक्की शर्मा को हिरासत में ले लिया है। सिटी एसपी ने बताया कि लूटकांड के बाद पीड़ित पक्ष ने मामले की शिकायत कोतवाली थाने में दर्ज कराई थी, जिसके बाद सीनियर एसपी बाबूराम के निर्देश अनुसार एक विशेष टीम का गठन कर तकनीकी अनुसंधान और छापेमारी शुरू की गई, जिसमें जोगसर ओपी थाना प्रभारी अजय कुमार अजनबी, सबौर थानाध्यक्ष पवन कुमार सिंह, तिलकामांझी थानाध्यक्ष राजरतन, तातारपुर थानाध्यक्ष सुनील कुमार झा और आईटी सेल की टीम ने जाँच की। सिटी एसपी सुन प्रभात ने बताया कि पुलिस ने तकनीकी अनुसंधान के आधार पर आरोपी विकास शर्मा के ठिकाने पर दबिश दी और उससे मौके से गिरफ्तार कर लिया। साथ ही बताया कि आरोपी के पास से पुलिस को 52,000 कैश, 2 एंड्रॉयड मोबाइल और एक होंडा साइन मोटरसाइकिल भी बरामद हुआ। एसपी ने बताया कि आरोपी विकास शर्मा का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है और कोतवाली थाने में उसके खिलाफ कई मामले भी दर्ज है, जबकि मामले में आरोपी ने अपनी संलिप्तता भी स्वीकार की है। एक चीनी व्यवसायी भानु जैन जी, उनके दो स्टाफ 7 लाख रुपये लेकर दुकान से अपने घर की ओर जा रहे थे और उनके साथ लूटपाट की घटना कर दी गई थी। तत्काल हम लोग घटनास्थल पर पहुंचे और हम लोग घटना का अनुसंधान कर रहे हैं और उस अनुसंधान के क्रम में पता चला कि 3 अपराधी हैं और तीनों एक बाइक पर सवार होकर आए थे और पिस्तौल के दम पे इनसे 7 लाख रुपया लूट लिया गया था। इसमें छापेमारी दल का गठन किया गया और जो 3 अपराधी उनकी पहचान कराई गई, उसमें से 1 अपराधी की गिरफ्तारी कर ली गई है और उसके साथ जो घटना पर युक्त बाइक है वो भी बरामद कर लिया गया है और जो लूट का में से करीब 52,000 रुपये बरामद किए गए हैं और इससे पूछताछ की तरफ इसने और भी जो इसके साथी थे जो घटना में शामिल थे उनका नाम बताया गया है और उनकी भी गिरफ्तारी जल्द से जल्द कर ली जाएगी। नवगछिया पुलिस जिला के व्यस्तम चौराहा मकनपुर चौक एनएच 31 पर दो महिलाओं ने एक ढोंगी बाबा के जमकर चप्पल से पिटाई शुरू कर दी, जिसके बाद मौके पर स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जुट गई और लोगों ने बीच बचाव का भी प्रयास किया, लेकिन आक्रोशित महिला जमकर ढोंगी बाबा की धुनाई करती रही। वहीं इसका कारण पूछे जाने पर लोगों ने बताया कि ढोंगी बाबा गोपालपुर प्रखंड के बड़े मकनपुर गाँव में घूम कर दवाई बांट रहा था और संतान सुख की प्राप्ति के नाम पर महिला से 900 रुपए की ठगी कर ली और उसके बाद भी बाबा महिला से निरंतर फोन पर बात करता रहा। बताया जा रहा है कि इसके बाद महिला ने ढोंगी बाबा को मकनपुर चौक एनएच 31 बुलाया और अपने साथ कई महिलाओं को लेकर वहां पहुंची और ढोंगी बाबा की जमकर पिटाई शुरू कर दी। साथ ही महिलाओं ने ढोंगी बाबा को घसीटते हुए मकनपुर चौक पुलिस फाड़ी पहुंची। साथ ही महिला ढोंगी बाबा को घसीटते हुए मकनपुर चौक पुलिस फाड़ी पहुंची, जिसके बाद मौके पर पहुंची गोपालपुर थाने की पुलिस तीनों को हिरासत में लेकर थाने ले गई। भागलपुर के लोदीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत चौधरी डी मोहल्ले में रविवार को एक महादलित परिवार और स्थानीय ग्रामीण के बीच जमीन विवाद हो गया और देखते ही देखते पूरा इलाका रण क्षेत्र में तब्दील हो गया।
मामले को लेकर बताया जा रहा है कि चौधरी डी स्थित मध्य विद्यालय में महादलित परिवार के द्वारा घर बनाने का प्रयास किया गया, जिसका ग्रामीणों ने विरोध किया और इसी को लेकर महादलित परिवार और ग्रामीणों के बीच जमकर लाठी डंडे बरसे। महादलित परिवार के अनुसार वे लोग रेलवे की जमीन पर झोपड़ी बनाकर अपना गुजर बसर करते थे, लेकिन जिला प्रशासन के अतिक्रमण मुक्त अभियान के तहत उन्हें वहां से हटा दिया गया और वे लोग आश्रय के लिए इधर उधर भटकने लगे। हालांकि मध्य विद्यालय के पास खाली जमीन देख उन्होंने वहां डेरा डालना तो चाहा, लेकिन ग्रामीणों ने उनकी एक नहीं सुनी और इसके कारण विवाद काफी बढ़ गया। वहीं गांव के सरपंच ने भी मैदान में घर बनाने से आपत्ति जाहिर की है। इधर घटना की सूचना मिलने पर सबौर अंचलाधिकारी और लोधीपुर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और आक्रोशित ग्रामीणों को समझा बुझाकर वापस भेजा। साथ ही महादलित परिवार को जल्द कोई ठिकाना सुनिश्चित कराने का भी आश्वासन दिया। रेलवे लाइन में क्या हुआ वहाँ? वहाँ से भगा दिया घर तोड़ के सरकार। यहाँ पे आए हैं, यहाँ पर भी वो सब आए, सरपंच आए, वो लोग भी सबको अलगवा दिया और हमको मारा भी सरपंच एक था और एक लड़का और भी था उसके साथ में, वो भी मेरे आदमी के मारने उठे, हम भी हमको भी एक बस ना पे लगा दिए और बोले सब पूरा एकदम आ गए और सब खम्मा कुट्टी अलगा फेंक दिए और सब पूरा एकदम मार करने भीर गए। कल लोग दरखास्त दिया था कि 43 परिवार है जो विस्थापित है, तो उसको लेकर हम कर्मचारी को दे दिए थे कि इसको जांच कर जितना शीघ्र हो दें कि उनकी जितना परिवार है उसमें कितना आदमी वास्तव में भूमिहीन है या किसी जगह उनका घर है उसको क्या कहते हैं उसको मैंने जांच कर तब कहीं जहां भी हमारे अंचल के अंतर्गत जमीन है वो लोगों को बसाया जाएगा। सनोकर थाना क्षेत्र के साहूपाड़ा में दोपहर बाद आई तेज आंधी और बारिश के कारण आकाशीय बिजली गिरने से उसकी चपेट में आकर साहूपाड़ा निवासी जोगो यादव की 2 वर्षीय पुत्री दुर्गा कुमारी की मौत हो गई, जबकि मृतक बच्ची की 25 वर्षीय माँ टूहो देवी भी वज्रपात के कारण गंभीर रूप से घायल हो गई। वही इस घटना के बाद ग्रामीणों की मदद से दोनों को निजी गाड़ी से कहलगांव अनुमंडल अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि शनिवार को गांव के बाहर बेली वैयार खेत में टूबो देवी काम कर रही थी, जबकि उसने अपनी 2 वर्षीय पुत्री को थोड़ी दूर ही पर स्थित ताड़ गाछ के पास खड़ा किया था, तभी अचानक तेज आंधी बारिश के साथ आसमान में बिजली चमकने लगी और देखते ही देखते मासूम बच्ची पर ठनका गिरा, जिससे उसकी मौत हो गई, जबकि बगल में काम कर रही उसकी माँ को भी तेज झटका लगा और वह भी गंभीर रूप से घायल हो गई। इसके बाद परिवार वालों के बीच मातम छा गया। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही सनोखर थाने के पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक बच्ची के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इधर बांका के धौरैया में तेज बारिश के साथ हुए वज्रपात की घटना में एक महिला की मौत हो गई, जबकि इस घटना में महिला का पति महावीर यादव भी गंभीर रूप से जख्मी हो गया, जिसे इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धौरैया में भर्ती कराया गया। वहीं वज्रपात में जख्मी हुए चंदाडी पंचायत के दातीन गांव निवासी महावीर यादव ने बताया कि वह अपनी पत्नी उषा देवी के साथ विजयहाट जा रहा था, तभी अचानक रास्ते में ही बारिश शुरू हो गई, जिसके कारण वे दोनों पति पत्नी एक आम के पेड़ के नीचे रुक गए। महावीर यादव ने बताया कि तेज गर्जना के साथ हुए वज्रपात की चपेट में आने से उसकी पत्नी उषा देवी की मौत घटनास्थल पर ही हो गई, जबकि इस घटना में वह भी जख्मी हो गया। इधर घटना की जानकारी मिलते ही धौरैया पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बांका भेज दिया। राज्य में 24 घंटे और निर्बाध बिजली देने का दावा करने वाले सुशासन के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 3 मंत्री ने रोहतास के चिनारी में मोबाइल की रोशनी में सभा को संबोधित किया। दरअसल चिनारी के कांग्रेस विधायक सह बिहार सरकार में पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम, पिछड़ा कल्याण मंत्री अनीता देवी और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान के स्वागत के लिए चिनारी डाक बंगला मैदान में अभिनंदन कार्यक्रम रखा गया था, लेकिन मंत्रियों के लेट लतीफी के कारण उन्हें पहुंचने में शाम हो गई, जिसके कारण सुशासन के माननीयों को मोबाइल की रोशनी में ही सभा को संबोधित करना पड़ा। हाल यह था कि मंच पर मौजूद नेता
नेताओं और मैदान में मौजूद समर्थकों को मोबाइल की रोशनी जलाकर कार्यक्रम पूरा करना पड़ा। हालांकि एक ओर जहां बिहार में बिजली आपूर्ति की व्यवस्था लचर हो चुकी है, वहीं कार्यक्रम में देर से पहुंचने की आदत ने भी नेताओं और मंत्रियों की सरेआम फजीहत करा दी। मौके पर करगहर से कांग्रेस विधायक संतोष मिश्रा भी मंच पर मौजूद थे। नवगछिया अनुमंडल कारा में देर शाम एक बंदी की संदेहास्पद मौत हो जाने की चर्चा के बाद इलाके में माहौल गर्म हो गया। बताया जा रहा है कि जेल में बंदी की मौत के बाद काफी संख्या में उसके रिश्तेदार, परिजन और ग्रामीण नवगछिया जेल पहुंचे, जहां उन्हें समझा बुझा कर शांत कराया गया। वहीं इसके बाद हालत बिगड़ने पर दो बंदियों को इलाज के लिए भागलपुर माइग्रेन अस्पताल भेज दिया गया, लेकिन सोनवर्षा निवासी एक बंदी संतोष कुमार को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया, जबकि दूसरे का इलाज माइग्रेन अस्पताल में ही कैदी वार्ड में जारी है। इधर माइग्रेन अस्पताल में मौजूद परिजनों ने संतोष की मौत को लेकर जेल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाया, जबकि नवगछिया जेल प्रबंधन ने परिजनों द्वारा लगाए गए आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए पूरे मामले की जांच कराने और मौत के सही कारणों का पता लगाने की बात कही है। वहीं दूसरा कैदी सैदपुर के विचाराधीन बंदी मनीष कुमार को इलाज के लिए जेल MCH मायगंज के बंदी भाट में भर्ती कराया गया। घटना की पुष्टि करते हुए नवगछिया अनुमंडल कारा के जेल अधीक्षक तारिक अनवर ने कहा कि दोनों कैदी बीमार थे और दोनों की बीमारी की वजह भी अलग अलग है। मृतक कैदी संतोष की पत्नी उषा देवी ने आरोप लगाते हुए कहा कि उसके पति को जहर की सुई देकर मार दिया गया है, जबकि मृतक के भाई अशोक दास का कहना है कि घटना के बाद घर वालों को किसी प्रकार की सूचना नहीं दी गई। बोलो बोलो बोलो। जेल में लगले, जेल में जर के दिया तक मारे दल के मारले बीमार थे। मैं फोन में करती है, फोन में करती है हमरा से, मैं फोन में करती है हमरा से। अब मैं करती है, हमरा पति के तो उपाय कर दे, हम दे कर देती है। जेल कौन केस में गया था? मर्डर के तो को दर पे बिग मरी गया, मैं पति जबरदस्ती फंसा दल के। जन कौन फंसा दिया था? अती बात ही मेरा गांव का आदमी है, वही फंसा दिया। 3 दिन तो हमको पता चला, वहाँ से कोई आदमी था, उसने फोन किया कि संतोष कुमार मर चुके हैं। अच्छा, हमको जैसे मालूम हुआ, हम यहाँ से आदमी भेजे थाना, थाना जब भेजे थाना में बोला तो वो 2 दिन से हॉस्पिटल पटाई जो है उसका इलाज चल रहा है। जब हम वहाँ से 1 घंटे के बाद, 1/2 घंटे के बाद मालूम हुआ कि नहीं, वो मायागंज जा चुका है पोस्टमार्टम के लिए। हम सब आए देखे, हकीकत में पड़ा हुआ लगता है। नालंदा पुलिस ने प्रेम प्रसंग के एक मामले में सूझबूझ का परिचय देते हुए बिना बैंड बाजे के प्रेमी युगल की शादी थाने में कराई, जिससे इलाके में पुलिस की छवि को लेकर लोगों में सकारात्मक भाव देखा जा रहा है। दरअसल नालंदा लहरी थाना क्षेत्र से विगत 2 जनवरी को एक युवती अपने प्रेमी संग फरार हो गई थी और इसके बाद परिजनों ने थाने में अपहरण का केस भी दर्ज कराया था। वहीं इसको लेकर प्रेमी अभिषेक का कहना है कि वह इंटर की परीक्षा देने लहरी थाना क्षेत्र इलाके के मुरारपुर आया था, जहाँ वह किराए के मकान में रहता था। अभिषेक ने बताया कि इसी दौरान मुरारपुर की रहने वाली रेखा कुमारी से उसकी मुलाकात हुई और दोनों के बीच प्रेम प्रसंग शुरू हो गया और दोनों ने एक दूसरे के साथ शादी करने का मन बना लिया। 2 जनवरी को बिहार शरीफ से भागकर गुजरात चले गए, वहीं बाद में गुजरात पुलिस की मदद से दोनों को लहरी थाना पुलिस को सौंप दिया गया। इसके बाद लहरी थाना पुलिस ने दोनों प्रेमी युगल को कोर्ट में हाजिर करवाया, जहां दोनों युगल ने कोर्ट के सामने शादी करने की बात कही। वहीं इसके बाद लहरी थाना मंदिर परिसर में दोनों की शादी हिंदू रीति रिवाज से करा दी गई। यहां पढ़ाई करते हैं हम दोनों, एक दो जनवरी के यहाँ से गए थे, यहाँ से बस से गए थे पटना तक, ये लेने के लिए आए हमको। फिर यहाँ से फिर गए छपरा, छपरा से ट्रेन धरे गुजरात का, दोनों गुजरात गए, गुजरात रहने लगे दोनों एक साथ। तो फिर वहाँ कैसे चले गए गुजरात थाना में? गुजरात थाना में हम जाके कंप्लेन किए थे, गुजरात में हम कंप्लेन किए थे इस वजह से। यहाँ फिर वहाँ कंप्लेन किए तो वहाँ वाला सर के पास कॉल किए यहाँ बिहार पुलिस स्टेशन, वहाँ पता चला कि वो लड़की की मम्मी केस किए। और
भागलपुर के देवी बाबू धर्मशाला में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से द्वादश ज्योतिर्लिंग आध्यात्मिक दर्शन मेला का शुभारंभ किया गया। इस दौरान दर्शन मेला का नेतृत्व भागलपुर शाखा के संचालिका राजयोगिनी अनीता दीदी ने किया, जबकि कार्यक्रम का उद्घाटन ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सदस्यों और कई अतिथियों ने संयुक्त रूप से किया। वहीं ज्योतिर्लिंग दर्शन मेला में देश के अलग अलग राज्यों में स्थित द्वादश ज्योतिर्लिंग के प्रारूप और छवि को आकर्षक रूप से सजाया गया, जबकि हर ज्योतिर्लिंग को मंदिर समेत उसके मूल रूप में दर्शाया गया, जिसका दर्शन कर लोगों ने नमन किया। बता दें कि दर्शन मेला में सोमनाथ, रामेश्वरम, महाकालेश्वर, ममलेश्वर, बैद्यनाथ, भीमाशंकर, मल्लिकार्जुन, नागेश्वर, विश्वनाथ, अत्र्यंबकेश्वर, केदारनाथ और घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग समेत राजयोग एवं अध्यात्म से जुड़ी प्रदर्शनी लगाई गई, जिससे विभिन्न जगहों से आए लोगों ने देखकर भरपूर सराहना की। वहीं इस आयोजन की विशेषता देश के अलग अलग 12 ज्योतिर्लिंग का एक ही स्थान पर दर्शन होना है, जो इस तरह से अलग अलग जगहों पर जाकर द्वादश ज्योतिर्लिंग का दर्शन करना आम लोगों के लिए काफी कठिन है। इसको लेकर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के मीडिया प्रभारी बीके मनोज ने बताया कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य भागलपुर समेत आसपास के जिले से आने वाले लोगों के लिए द्वादश ज्योतिर्लिंग का एक साथ और एक ही छत के नीचे दर्शन करना और आध्यात्मिक चेतना से जुड़ी बातों की जानकारी प्राप्त करना है। वहीं इस दौरान कार्यक्रम स्थल को आकर्षक रूप से सजाया गया, जबकि माहौल पूरी तरह से आध्यात्मिक और भक्तिमय दिखाई दिया। ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा द्वादश ज्योतिर्लिंगम आध्यात्मिक दर्शन मेला लगाने का यह उद्देश्य है कि भागलपुर शहरवासियों और साथ ही आसपास के सभी लोगों को भारत में जो शास्त्र में गायन है द्वादश ज्योतिर्लिंगम का, उसका दर्शन कराना। इसलिए कि साधारण व्यक्ति कोई भी पूरे स्थल का भ्रमण करना सबके संभव की बात नहीं है, परंतु एक स्थान पर एक समय में बिना खर्च का सभी दर्शन प्राप्त कर सके, क्योंकि परमपिता परमात्मा शिव का दर्शन से उसकी असीम शक्ति भी प्राप्त कर सके, यही मुख्य उद्देश्य है। ताकि परमपिता परमात्मा कल्याणकारी है, मानव उस शिव को सत्य की शक्ति को जानकर अपने जीवन में उस शक्ति को प्राप्त करे। कटिहार के ब्रारी थाना क्षेत्र अंतर्गत सुजापुर पंचायत सुरजा चौक पर आपराधिक तत्वों द्वारा शराब पीकर जमकर हंगामा किया गया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने जब इन अपराधियों को आपसी झगड़ा से रोकने की कोशिश की तो अपराधियों ने हवाई फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें 3 मजदूरों को गोली लग गई। वहीं इसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने 3 अपराधियों को पकड़ कर ब्रारी पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि गोलीबारी में घायल हुए लोगों को इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर ने बेहतर इलाज के लिए घायल को कटिहार अस्पताल भेज दिया। इधर इस मामले में बरारी पुलिस ने हुसैना निवासी अपराधी जुनैद अली के अलावा 2 अन्य अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। और अंत में चलते चलते फिर से एक नजर आज की हेडलाइंस पर। चीनी व्यवसायी के स्टाफ से हुए लूटकांड मामले का पुलिस ने किया खुलासा, एक अपराधी गिरफ्तार, लूटे गए रुपये हुए बरामद। संतान सुख की प्राप्ति के नाम पर ठगी करने वाले ढोंगी बाबा को महिलाओं ने दबोचा, जमकर की धुनाई। भागलपुर में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच झड़प, जमकर चले लाठी डंडे। दो अलग अलग जगहों पर आकाशीय बिजली गिरने से बच्ची समेत महिला की मौत, परिजनों में मचा कोहरा। और मोबाइल टॉर्च की रोशनी में राज्य के 3 मंत्रियों ने किया जनसभा को संबोधित। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।